हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोर्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज की तरफ से आने वाली एक नई बाइक, जिस बाइक का नाम है बजाज डोमिनर एडवेंचर 400। और ये बाइक शायद बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस बाइक का लुक्स कैसा होगा, इस बाइक में फीचर्स क्या मिलेगा और इसके साथ साथ क्या कुछ नया है इस बाइक में, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वो सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे बाइक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलता है। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन फास्ट में मिलता है, मतलब सबसे पहले वहीं पर अपडेट मिलता है। तो आइए देखते हैं इस बाइक को। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फोटो आपने थंबनेल में देखा है, ये एक मॉडिफाइड बाइक है, मतलब डोमिनर ही है लेकिन मॉडिफाइड है। यही बाइक, मतलब यही सेम लुक तो नहीं होगा, लेकिन लगभग इसका जैसा ही लुक इस बाइक में होने वाला है। तो बहुत पहले से एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर आ रहा था कि बहुत जल्दी बजाज का कोई, मतलब डोमिनर का कोई एडवेंचर बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। और कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में राजीव बजाज, जो आप जानते हैं CEO है बजाज इंडिया, मतलब बजाज ऑटो इंडिया का, उन्होंने एक कॉन्फर्म कर दिया है ये चीज़ कि बहुत जल्दी डोमिनर का एक एडवेंचर वर्सन इंडिया में लॉन्च हो सकती है। लेकिन शायद ये बाइक आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, मतलब लास्ट ऑफ 2020 या फिर 2021 का फर्स्ट तक इसका टाइम हो जा सकता है लॉन्च होने का। लेकिन ये बाइक आएगी, ये कॉन्फर्म हो गया है। तो जो जो चेंजेस इस बाइक में होगा या फिर जो नया चीज़ ये एडवेंचर डोमिनर में होने वाला है, वो सब देखेंगे इस वीडियो में, जानेंगे मेनली। तो यहाँ पे जो फ्रंट से अगर देखेंगे तो फ्रंट में एक हेडलाइट दिया जाएगा, जो बेसिकली वही सेम हेडलाइट होगा जो मिलता है डोमिनर 400 में। जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं KTM के बाइक में, KTM ड्यूक 390 का जो हेडलाइट है, वही सेम हेडलाइट को यूज़ किया गया है एडवेंचर 390 में। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, वही सेम हेडलाइट होगा। यहाँ पे एक सेमी फेयरिंग वाला एक मॉडल मिलेगा, ये मॉडल जो एडवेंचर डोमिनर एडवेंचर होगा। सेमी फेयरिंग का मतलब है, आप जानते हैं बजाज पल्सर 220 बहुत ज़्यादा एक फेमस बाइक है, वहाँ पे भी सेमी फेयरिंग मिलता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ फेयरिंग मिलता है, नीचे का जो इंजन पार्ट होता है वहाँ पे कोई भी फेयरिंग नहीं रहता है, मतलब वो पार्ट थोड़ा सा नेकेड टाइप का रहता है। और ये जो बाइक होगा यहाँ पे भी वही सेम टाइप का ही बॉडी मिलेगा, मतलब नीचे का पार्ट पूरी तरीके से नेकेड होगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि एयर इनटेक बहुत अच्छा होता है, इंजन गर्म होने का चांस बहुत कम रहता है। उसके बाद अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, ये एक TFT स्क्रीन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों को GPS नेविगेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी वाया ब्लूटूथ या फिर वाईफाई, ये सब बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और ये लगभग देखने में भी हो सकता है जो ड्यूक 390 है उस जैसा ही, मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसके बाद अगर टैंक को देखेंगे तो टैंक का शेप भी थोड़ा सा चेंज होगा, और इसके अंदर का जो फ्यूल कैपेसिटी होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक टूरर टाइप का बाइक होगा, एडवेंचर टूरर टाइप का, तो इसका फ्यूल कैपेसिटी भी ज़्यादा कर दिया जाएगा। सीट को अगर देखेंगे, मतलब जो नया बाइक आएगा उसमें सीट कैसा होगा अगर देखेंगे, तो वो सीट थोड़ा सा अलग होगा एज़ कम्पेयर टू डोमिनर 400, क्योंकि वहाँ पे कुशनिंग ज़्यादा किया जाएगा पिलियन के लिए भी, राइडर के लिए भी, क्योंकि ये लॉन्ग राइड के लिए बनाया जाएगा। और पीछे का जो ग्रैब व्हील होगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, यहाँ पे एक टॉप बॉक्स लगाने जैसा सिस्टम रखा जाएगा पहले से ही, और बाद में आप पैनियर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो टॉप बॉक्स होगा और पैनियर बॉक्स होगा, ये सब आप लोगों को आफ्टर मार्केट अलग से ख़रीदना होगा, जो ऑफिशियली बजाज की तरफ से ही आएंगे, लेकिन वो अलग से आपको पे करना होगा वो ख़रीदने के लिए। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो पहले से ही डोमिनर 400 में आप जानते हैं अपसाइड डाउन फोक्स मिलता है, और जो डोमिनर एडवेंचर 400 होगा वहाँ पे भी वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैवल सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा लंबा होगा, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी लगभग 200 से लेके 220 mm तक हो सकता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। पीछे का जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी थोड़ा सा लंबा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डोमिनर 400। बाकी सारे चीज़ों का अगर देखेंगे तो जो पीछे का जो बैक लाइट है, मतलब जो टेल लाइट है, वो लगभग देखने में सेम भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। लेकिन पीछे का जो मड गार्ड है उसका सेक्शन में थोड़ा सा कुछ चेंजेस ज़रूर होगा। और जो एग्जॉस्ट है यहाँ पे तो डेफिनेटली चेंज होगा, जो एग्जॉस्ट एडवेंचर 400 में मिलेगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब अपलिफ्टेड एग्जॉस्ट होगा, जो मिलता है बाकी सारे एडवेंचर बाइक में कुछ हद तक
उस जैसा ही लुक्स होगा इसमें भी। टायर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे रोड ओरिएंटेड टायर्स नहीं मिलेंगे जो मिलता है डोमिनर 400 में। यहाँ पे जो टायर मिलेगा सामने पीछे, टायर साइज़ शायद थोड़ा सा कम हो सकता है, जैसे कि सामने मिलेगा 100 सेक्शन, पीछे मिलेगा 130 सेक्शन। और जो टायर मिलेगा वो 50-50 टायर होगा, मतलब आप रोड में भी चला सकते हैं उसको और कोई मतलब खराब रास्ते में भी चला सकता है, ऐसा हो सकता है। फ्रंट का जो टायर साइज़ होगा ये मतलब जो व्हील साइज़ होगा ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मतलब पीछे तो 17 इंच व्हील बेस ही मिलेगा, सामने का शायद 18 या तो 19 भी हो सकता है। इंजन की अगर बात करें तो इंजन वही सेम इंजन मिलेगा जो ड्यूक में, डोमिनर में, एडवेंचर 390 में मिलता है, वही इंजन इस बाइक में भी मिलेगा। पावर फिगर आप लगभग आपको मिलेगा जो मिलता है डोमिनर 400, मतलब 40 BHP, और उसके साथ साथ मिलेगा 35 Nm का टॉर्क। और ये इंजन एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन मिलता है यहाँ पे, 6-speed गियरबॉक्स मिलता है, स्लीपर क्लच मिलता है। और ये इंजन का अगर क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें तो ये एक 373.3 cc का इंजन है। तो इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो तो मैंने बोल ही दिया, और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा अपर साइड में जाएगा इस बाइक का प्राइस, और ये लगभग 2.20 lakhs से लेके उससे ऊपर, मतलब 2.50 lakhs तक हो सकता है इसका एक शोरूम प्राइस। तो इस बाइक के बारे में इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।